भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने शुक्रवार को पटना में हुई विपक्षी एकता की बैठक पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक लड़ाई की एकता नहीं बल्कि भ्रष्टाचार पर जांच एजेंसियों की हो रही कड़ी कार्रवाई पर सभी भ्रष्टाचारी और उनके संरक्षक की बैठक है। प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि झामुमो ने फिर झारखंड विरोधी मानसिकता वालों की गोद में बैठकर राज्य को कलंकित किया है। विपक्ष की बैठक में राहुल गांधी का शामिल होना कांग्रेस की स्वीकारोक्ति है कि कांग्रेस अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी को क्षेत्रीय पार्टियों के सामने झुकना पड़ा है। सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर आ रहे हैं, ये साथ आ भी गए तो 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ भाजपा का आना तय है। ये लोग पॉलिटिकल पर्यटन पर आए हैं, लिट्टी चोखा खाएंगे, ख्याली पुलाव पकाएंगे, हाथ मिलाएंगे, लंबे चौड़े भाषण देंगे और फिर अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी का मुकाबला करना इन भ्रष्टाचारियों के वश की बात नहीं है, जिनके पास विपक्ष का नेता पद पाने की हैसियत नहीं है, जिनके पास 15-16 सांसद है वे प्रधानमंत्री पद का ख्वाब पाले बैठे हैं। ये भले एक होकर चुनाव लड़ें लेकिन जनता के जनादेश को कैसे चुनौती देंगे। चाहे सारी पार्टियां एक हो जाए, हम रुकने वाले नहीं, क्योंकि देश की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गर्व हाँक रही है। 15 दलों का आज वहां जमावड़ा हुआ है, जमावड़ा 15 दलों का जमावड़ा हुआ है और 15 दलों के कुल सांसदों की संख्या अगर कहा जाए तो 128 और पटना आकर के वो पॉलिटिकल पर्यटन करने के लिए आए। पॉलिटिकल पर्यटन अगर कहा जाए यहाँ की भाषा में, बिहार और झारखंड की भाषा में, तो पटना आए हैं पॉलिटिकल पर्यटन करने। लिट्टी चोखा खाएंगे और ख्याली पुलाव बनाएंगे और फिर अपने अपने रास्ते चले जाएंगे और मोदी जी के मुकाबला करने वाला व्यक्तित्व तो उनके पास कोई नहीं है, इसीलिए वो आपस में लड़ेंगे, भिड़ेंगे और अपने आप शिकस्त देने का काम करेंगे एक दूसरे से। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।